गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल ऋषभ ब्लॉग्स जेट विथ अनदर फ्रेंड्स। अभी मैं सिमडेगा जिले में हूँ। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम कोचडेगा है। यहाँ पर श्री सत्य साईं बाबा का एक मंदिर है जो कि आप लोग गोल में देख बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कोटेशंस भी लिखे हुए हैं। तो चलो मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ और पुजारी जी से भी बातें करवाऊँगा और सारी व्यूज मंदिर के अंदर से दिखाऊँगा। सो चलो चलते हैं, फिर अंदर में आगे की बातें करते हैं। चप्पल यहाँ पर ये विभूति है, आप लोग देख सकते हैं। ये साईं बाबा का जो दिव्य विभूति प्रसाद है, ये इसमें अद्भुत चमत्कार होती है। विश्वास के ऊपर ये है। यहाँ पर पुजारी जी हैं, ऑन साइड। सो फ्रेंड्स, अभी पुजारी जी से हम लोग बात करेंगे। पुजारी जी बताएंगे इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। तो पुजारीगढ़ जिला का श्री सत्य साई मंदिर एक लौता मंदिर है। सत्य साई बाबा का पूजा होती है और शिव जी के रूप में हम लोग उसको पूजते हैं, पूजा करते हैं। मंदिर कब खुलती है, मतलब सुबह में कितने बजे तक खुल जाती है? सुबह में 6 बजे हम लोग पट खोलते हैं। उसके बाद में 21 बार ओंकार होता है, फिर सुप्रभातम और साईं गायत्री। इसके बाद में गायत्री मंत्र का जाप होता है और फिर आरती होती है। दोपहर में वैसे कुछ नहीं, शाम में होती है 6 बजे। हाँ। पूजा होती है, भोग लगाते हैं, उसके बाद में फिर 7 बजे पट बंद किया जाता है। मतलब कि दिन में मंदिर की पट बंद नहीं होती है ना, श्रद्धालु कभी भी आ सकते हैं, सब पूजा अर्चना कर सकते हैं। हाँ। वैसे मंदिर में क्या पूजा में क्या चढ़ाई जाती है? पूजा में यहाँ विशेषकर नारियल या कोई फल वगैरह, इलायची दाना, ये सब चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को श्री सत्य साईं संगठन के ये सिमडेगा जिला के अध्यक्ष से मिलवाने वाला हूँ, जो योगदान है गाइस इस मंदिर के निर्माण में और इस मंदिर का संचालन कार्यभार, जो भी कार्य यहाँ इस मंदिर में होती है वो सारे संचालन इनके देखरेख में ही होती है। सो ओम साई राम। ओम साई राम। यह मंदिर मुख्य रूप से श्री सत्य साईं बाबा का मंदिर है और यह मंदिर जो है श्री सत्य साईं सेवा संगठन के द्वारा संचालित है, जो कि हमारे इस मंदिर के जो पूर्व जिलाध्यक्ष या अध्यक्ष कहिए, हमारे श्री राम चौधरी जी वर्तमान में हैं, उन्हीं के इस भूमि दान करने के बाद में हम लोग 2011 में इस मंदिर का शिलान्यास किए और पूरे क्षेत्र के सहयोग से, सभी ग्रामीणों के सहयोग से यह मंदिर का स्थापना हम लोग 2017 में बहुत ही भव्य रूप से हुआ। और सत्य साईं बाबा का दर्शन के स्वरूप हम लोग सिमडेगा जिला से बहुत काफ़ी लोग प्रशांति जाते थे और अभी भी जाते हैं और उन्हीं की कृपा हुई कि हम लोग ये हमारे श्री राम चौधरी जी के मन में आया कि हमारे सिमडेगा में भी एक हमारा सेंटर होना चाहिए, सत्य साईं मंदिर का एक केंद्र होना चाहिए, भजन केंद्र। वही परिकल्पना के स्वरूप आज ये विशाल मंदिर के रूप में भगवान की कृपा से ये अभी स्थापित है। बहुत सारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि बाबा का जन्म दिवस हम लोग 23 नवंबर को मनाते हैं, ये बहुत ही भव्य रूप से होता है। साथ ही साथ यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर में भी यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पूजन होता है। जी साथ ही साथ और कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे एक ग्लोबल अखंड भजन होता है, जी 24 घंटे का अखंड भजन होता है, जिसमें हजारों लोग आकर के यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आनंद लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा। तो और एक और है जो कि हम लोग सेवा का काम करते हैं, जी जैसे कभी कभी गरीब लोगों को कुछ अन्नदान या कुछ कंबल वगैरह का वितरण भी उनके जन्मदिवस के अवसर में ये सब कार्य सेवा का काम चलता है। जी। और यहाँ से
मैंने सैकड़ों की संख्या में हम लोग प्रशांति सेवा की, जहाँ इस मंदिर का मुख्य केंद्र है जी, इस संगठन का। हाँ हाँ। प्रशांति सेवा के रूप में हम लोग सेवा दल के रूप में जाते हैं। कहाँ पर है वो? ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है पुट्टपर्ती, जिसका बाबा का जन्मस्थल पुट्टपर्ती है। उसको अभी भगवान बाबा ने श्री सत्य साई प्रशांति निलयम के रूप में उस स्थान का नामकरण हुआ धाम। सो गाइस, वहीं हम लोग जा करके बहुत ही आनंद वहां हम लोग महसूस करते हैं जी, मतलब सेवा करके एक अलग आनंद ही प्राप्त होता है। तो उसमें दोस्तों आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा डिटेल्स, तो आप लोग इस संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। मैं इन्होंने एक और बात बताया था कि स्वयं श्री सत्य साई बाबा ने एक पेड़ लगाया था, तो उनके जड़ से ही मतलब यहाँ पर भी एक प्रांगण में एक पौधा लगाया गया है, क्योंकि तो उसी रूट से मतलब वो निकला है। सो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, चलिए दिखाते हैं। का पेड़ है जो भगवान बाबा ने वहाँ प्रशांति में अपने हाथों से इस पेड़ को लगाए थे, उन्हीं उसी के रूप से ये हम लोग उनके विश्वास के रूप में जी यहाँ पर स्थापित करने के लिए वहाँ से भेजा गया है। वहाँ से भेजा गया है ना, और ये रूट लग भी गई है गाइस, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, ये बढ़ भी रही है। ये भगवान की कृपा है कि मतलब उतने दूर से मतलब वो रूट यहाँ पर ला करके हमको आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर मिल गया है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सारे और भी कार्यक्रम होते हैं जो कि और भी डिटेल्स में बताएंगे, क्या क्या वैसे एक्स्ट्रा कार्यक्रम यहाँ पर? वैसे कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर समिति के सहयोग से हम लोग शादी वगैरह का भी कार्यक्रम रखते हैं। अच्छा। जैसा कि कोई गरीब बच्ची है तो हम लोग सपोर्ट करके उसको समिति की ओर से भी कुछ मदद करके यहाँ पर शादी का कार्यक्रम भी होता है। अच्छा। हाँ, दूसरी बात है कि यहाँ साप्ताहिक भजन होता है प्रत्येक रविवार को। हाँ। हम लोग यहाँ भजन कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें कई श्रद्धालु आते हैं, भजन का आनंद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग गाँव में भी जा करके संगठन के द्वारा नारायण सेवा का कार्यक्रम करते हैं, उसमें गरीब लोगों के बीच में भोजन बनाकर बांटना, वहाँ भजन कीर्तन का आयोजन करना, ऐसा कार्यक्रम। और दूसरी बात है मेडिकल सेवा के रूप में अगर हमारे ये संगठन का 2-3 जो है बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ की हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का, ऐसे बड़े बड़े बीमारियों का इलाज जो है फ्री में होता है। और हम लोग माध्यम बनने का कार्य करते हैं कि यहाँ के जो भी रोगी आते हैं वैसे रोगियों को हम लोग वहाँ तक पहुँचाने करके इलाज कराने का भी काम करते हैं। सो आप लोग यहाँ पर आइए, एक बार विजिट कीजिए इस जगह को, बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर आना भी चाहिए, बहुत ही शांति अनुभव होगी गाइस आप लोगों को। और एक बात मैं बताने भूल गया, यहाँ पर बच्चों को संस्कार डालने के लिए ये बाल विकास का केंद्र भी चलता है। अच्छा। इसमें 5 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों को हम लोग संस्कार देने के लिए उसका एक सिलेबस है, बाल विकास गुरु के द्वारा ये अध्ययन कराया जाता है, जिसमें वेद मंत्र हुआ, गायत्री मंत्र हुआ, या सारे जो भी मतलब हमारा सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ जो आध्यात्मिक बातें हैं बच्चों को सिखाया जाता है। जहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर बर्तन वगैरह बड़े बड़े रखे हुए हैं, यहाँ पर मतलब कुछ कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसमें मतलब भोग वगैरह और कुछ खान पान विशेष कार्यक्रम में बनाने का काम होता है। यहाँ पर पुजारी जी का आवास है, यहाँ पर पुजारी जी यहीं पर रहते हैं गाय के। इधर वॉशरूम वगैरह भी मंदिर में बनी हुई है, जो कि मतलब आप लोगों को यहाँ पर किसी भी चीज़ की मतलब परेशानी नहीं होगी, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। सो गाइस, आप लोगों को एक बार ये मंदिर ज़रूर आना चाहिए, ये मंदिर लगभग मतलब सिमडेगा के मेन टाउन से लगभग 11 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है, जो कि गांव का नाम कोचेडेगा है ना। लेकिन गाइस आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो साई भक्त लोग हैं ना, वो लोग इस गांव का नाम अभी साई ग्राम के नाम से
दे दिया गया है, मतलब साईग्राम रख दिए है ना। तो इस गांव को दो नाम से जाना जाता है, एक तो कोचेडेगा तो है ही, साथ साथ में अब साईग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सो आप लोग एक बार इस जगह पर जरूर आइए और विजिट कीजिए। सो गाइस, आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर जाकर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्यारे प्यारे कॉमेंट्स कर दीजिएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।